आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi. He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary. मैंने तो अब रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है मोदी साहब को, खुदा का नाम है पैसे दें, रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान को पैसे दें और अपने रिलेशनशिप ठीक करें। And his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. India is the playing the kingmaker. India chaha to China ko boss bana sakta hai, chaha to America ko boss bana sakta hai. Pakistan ki awam jo hai uska ek hi nara hai, Kashmir banega Pakistan. POK banega Kashmir ka part. Lo bhai maine naya nara khada kar diya. Jo current government hai aapki kuch bhi nahi kar sakti mujhe lagta. वो बातें भी नहीं कर सकते अब तो। पाकिस्तान से भी ज्यादा पावरफुल नेशन अगर कोई है तो पाकिस्तान का अलाय है, दैट इज चाइना। जी बिल्कुल। चाइना हैड अ प्रॉब्लम के अरुणाचल को चाइना खुद डिस्प्यूटेड बोलता है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में G20 हो गया, 50 डेलीगेट्स, 50 कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर चले भी गए, तो अब वही चीज कश्मीर में भी होगी। जब चाइना नहीं रोक सका तो पाकिस्तान क्या रोकेगा, वो तो होकर ही रहेगा इंशाल्लाह। इंडिया के सेंट्रल बैंक ने 18 मुल्कों से ट्रेड शुरू की, और आपको और मजे की बात बताऊं, चाइना और इंडिया मिलके डॉलर को कमजोर कर रहे हैं। क्या मिला, कश्मीर मिला? कौन सा डिफेंस की बात कर रहे हो? हमें आज तक क्या मिला? कारगिल मिला? नहीं मिला। वो सियाचिन पे कब्जा हुआ, हमें मिला? कौन से डिफेंस की बात कर रहे हो? या ना बेबी, प्रोपेगेंडा में पूरी दुनिया। नो प्लीज डोंट कॉल मी बेबी, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, डोंट कॉल मी बेबी। नो नो नो, बीबी मैंने कहा है, नॉट बेबी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की एक मंत्री ने मोदी जी की खुलकर तारीफ की है, जिससे पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। और तारीफ के काबिल हमारे मोदी जी हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से भारतीय करेंसी और मतलब ये टेक्नोलॉजी के मामले में जिस तरीके से, जिस तेजी से बढ़ रहा है, उस तेजी को देखते हुए मोदी जी की तारीफ पूरा वर्ल्ड कर रहा है, हमारे भारत की तारीफ पूरा वर्ल्ड कर रहा है। और ये सब मुमकिन हो पाया है मोदी जी की वजह से, क्योंकि मोदी जी एक अलग स्तर से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी जो है अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया के PM ने खुद उनको वर्ल्ड बॉस कहा था कि मोदी द वर्ल्ड बॉस, वर्ल्ड बॉस की उपाधि मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया के PM ने दी थी। और खासकर अगर देखा जाए तो हमारे मोदी जी बॉस ही हैं। और पाकिस्तान मीडिया को जब पता चला कि अमेरिका मंत्री ने मतलब इस तरीके से हमारे PM मोदी जी की तारीफ की, तो पाक मीडिया जो है जलने लगी, भुनने लगी, उनके अंदर एक जलने की बदबू आने लगी, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से ही जहालत भरी हुई है और वो जहालत दिखती है, कहीं ना कहीं दिखती है। ये जहालत की वजह है कि पाकिस्तान के अंदर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, मदरसे बना दिए गए। अब जो बच्चों ने मदरसों में पढ़ाई की, मदरसा छाप बन गए, मदरसों की वजह से उनमें जो भारत के खिलाफ उनके अंदर जो जहालत भरी गई, वही अब उनके सामने निकल कर सामने आ रही है, उसी की वजह से आज पाकिस्तान तंग है। तो खैर जो भी है, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अहमद का जो इंसिडेंट हुआ है और उसके भाई का, उसके ऊपर भी एक मैं ये एक बात सुन रहा हूँ कि या शायद ये जो पुलवामा के ऊपर जिस तरीके वायर ने इंटरव्यू किया है आप लोगों के साबिक गवर्नर को, फॉर्मर गवर्नर को, तो कहते कि उसको थोड़ा सा डिफ्यूज करने के लिए सारा कुछ हुआ है। इज इट ट्रू या इसके पीछे कोई और है? अगर सिक्योरिटी रीजन भी है तो इतना मतलब इतने हाई फाई अगर वो थे क्रिमिनल्स थे तो उसकी सिक्योरिटी तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उनको ज्यादा सिक्योर किया जाए, क्यों नहीं हुआ? आतिक और अशरफ की बात जो आपने की, दिस इज अ सीरियस टॉपिक फकर साहब, आई टेल यू, सूरह अल-माईदा वर्स 2 में क्लियर लिखा है, द कुरान टेल्स अस कि अपनी उम्मत को सपोर्ट करो अच्छी चीजों में, लेकिन गलत चीजों में अपनी उम्मत के साथ भी नहीं खड़े होना, अपने फादर मदर किसी के साथ नहीं हो खड़े होना अगर इट इज नॉट अ राइटियस थिंग। जब आप आतिक और अशरफ की बात करते हो, मुझे जयश्री कुशवाहा की याद आती है। डू यू नो हु शी इज? वन ऑफ देयर विक्टिम्स। 12 बीघा जमीन के लिए उसके उस पे जो कब्जा किया आतिक ने, उसके लिए उसके भाई को मारा, उसके हस्बैंड को मारा, उसके जवान बेटे को मारा, और उसके ऊपर 33 times अटैक किया, वो फिर भी बच गई बेचारी। और ऐसे बहुत सारे हिंदूज हैं जिनके ऊपर उसने एक्सट्रॉशन किया, उसने ये किया वो किया। उन हिंदूज का मसीहा बन के गया था वो जर्नलिस्ट जिसने उसको वहां पर मारा। आज तक कोई कुछ नहीं कह रहा, बिकॉज दे नो हमने कुछ कहा तो कहेंगे कि भाई सेक्युलर नहीं है, तो वो भी बेचारे चुप है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आतिक और अशरफ गैंगस्टर्स थे BSP के, दे वर नॉट रेगुलर मुस्लिम सिटीजन्स। सो हर बार किसी ना किसी, आप लोग ढूंढते हो किसी ऐसे मुस्लिम क्रिमिनल की स्टोरी, ही इज अ क्रिमिनल बट ही इज अ मुस्लिम, तो बस उछाल दो कि भाई अच्छा। जो आप लोग बुलडोजिंग की बात करते हो, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं,
लेट मी टेल यू, हर एक एंक्रोचमेंट, इवन अगर वहां मंदिर भी है तो उसको गिराया जा रहा है, जो भी पब्लिक लैंड को एंक्रोच कर रहा है उसको, लेकिन आप लोग बस हाईलाइट करते हो कि मुसलमानों के घर गिराए जा। तो ऐसे प्रोपेगेंडा हम समझते हैं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें दिखाई देता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई ये मोदी भक्त है, इनको बोला जाता है। थोड़ा ब्रेक मार ले याना, अच्छा थोड़ा सेंटर में भी हो जाए, फ्रेम में आ जाए याना, आपका थोड़ा सा साइड कट रही है आपका थोड़ा सा। याना बेबी, प्रोपेगेंडा में पूरी दुनिया जानती है। नो प्लीज डोंट कॉल मी बेबी, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, डोंट कॉल मी बेबी, थैंक यू। नो नो नो, बीबी मैंने कहा है, नॉट बेबी जी। इज्जत शायद आपको समझ नहीं आती है जी। तो याना बीबी, ऐसा है कि प्रोपेगेंडा में पूरी दुनिया को पता है कि कौन ज्यादा माहिर है, राइट? सो वी डोंट नीड टू टेल एनीवन कि कौन किस तरीके से प्रोपेगेट करता है, बट यू टेल एवरीवन। नो, you go everywhere and you show yes. photos and say this is happening in Kashmir, this is happening in Kashmir. आप फलस्तीन की फोटो दिखाकर बोलते हो कि this is happening in Kashmir और आप कहते हो we are doing propaganda. जी, we don't have. आप फलस्तीन की फोटो दिखाई थी या नहीं दिखाई थी? या आप मानते हो? आपने फलस्तीन की फोटो दिखाई थी, गाजा की फोटो दिखाई थी और कहा था ये कश्मीर में हो रहा है? जी, आपने बोला था या नहीं बोला था? गाजा की फोटो दिखाकर वर्ल्ड नोज व्हाट, हमारे पास ना फुकट पैसा नहीं है की आपके यहाँ के टेररिस्ट को हम फाइनेंस करें, वो आपके अपने क्रिएटेड सांप है जो आपको डसने आए हैं, जो आपकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना की 40,000 टेररिस्ट हमारे पास है, ये उन्हीं की नस्ल है जो आपको डसने के लिए आई है, देखे, और कुछ नहीं, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम तो खुद कह रहे हैं दुनिया से कि भाई वहां से यहाँ भी आ रही है। अच्छा, so you have to understand, if you don't want to side with us in dealing with terrorism, at least stop judging us and at least stop creating opinions. क्योंकि आपके पास वो इंस्टॉलमेंट लेने आए होंगे। यस फखर साहब, अच्छा मैं टाइम बिल्कुल टाइम खत्म है, लेकिन जहां तक बात है याना, कहीं पे भी जुडिशियल किलिंग जो है ना दुनिया के किसी मुल्क में भी, अगर पुलिस वहां पे होती है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करें, मैं कहता हूँ गैंगस्टर्स थे बिल्कुल, आप उनको पानसी चढ़ाते हैं, जो एक कानून है, या तो अगर उस नहीं है तो फिर आप अदालतें नहीं होनी चाहिए मेरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, कहीं पे भी, मतलब हैदराबाद में ऐसी चीज एक हुई थी, इफ यू रिमेम्बर, जो एक रेप केस हुआ था दिशा नाम की लड़की का, आई थिंक दे चेंज द नेम लेटर, वहां पर पुलिस ने जो है एनकाउंटर कर दिया था उसका, रेपिस्ट था। हाँ, आपको याद होगा ये 2-3 साल पहले की बात, बट बिलीव मी हमारी पब्लिक ने उस पुलिस वाले को सपोर्ट किया। दिस इज अवर इमोशन यार, and we can't, we won't change. जैसे हम आपके यहाँ नहीं रोक सकते जब लोग कोर्ट रूम के अंदर लोगों को मार देते blasphemy charges में, कोर्ट रूम के अंदर हम थोड़ी ना आके बोलते हैं ये कैसे लोग हैं यार, कोर्ट रूम के अंदर मारा जाता है just because उसने कुछ कुरान के बारे में बोल दिया, मजहब के बारे में गलत किया, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको कोर्ट रूम के अंदर गोली मार दी गई, हम तो नहीं आके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई सवाल जरूर आया होगा, उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।